और आपको बता दें सीधे लोकसभा आपको लिए चलते हैं, जहां पर संसद में आजम खान के विवादित बयान को लेकर बवाल जारी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आजम खान को बर्खास्त करने की मांग की। में होने से रोकना है तो आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। पूरा सदन आपसे मांग करता है, मैं महिला होने के नाम से आपसे मांग कर रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर आप खामोश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर ये सदन खामोश रहा तो अध्यक्ष जी आप बैठिए, आप बैठिए, हमारे सम्मान की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र का मंदिर और उसके अध्यक्ष जी आपके आपने अनुमति दी इस विषय पे अपने आइडियाज को शेयर करने की। हमारे सभी मानद सदस्यों ने इस विषय को उठाया, इस विषय को उठाया। कल जो घटना घटी उसका भाव ये था कि हमारे सदस्य भी हर्ट हुए। उस समय जो हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य बैठे थे उन्होंने भी इस पे आपत्ति दर्ज करी। हमारे रविशंकर जी ने की, अनुराग सिंह ठाकुर ने की, हमारे किशन रेड्डी जी ने की, हमारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत निशिकांत दुबे जी ने रूल 10 पढ़ करके सुनाया कि यहाँ चेयर पे जो बैठने वाला होता है वो स्पीकर के समान होता है। वो आदर स्पीकर को जो हम आदर देते हैं वो ही आदर देना चाहिए, चाहे आदमी बैठा हो चाहे पुरुष बैठा हो। मानव सदस्य रमादेवी जी बहुत सीनियर हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी रमादेवी जी ने नहीं टोका जिसकी वजह से उनको ऐसा एक कुटिल भाव वाला शेर पढ़ने की जरूरत थी। यहाँ वो जो शेर था उसमें वो अभद्र भी था, उसमें भाव भी कुटिल थे। आज मैंने कई साहित्यकारों से इसमें संबंध में चर्चा की, वो कहते हैं कि ये द्विअर्थी शेर पढ़ने की इनकी आदत रही है। ये सदन के बाहर भी ऐसे महिलाओं का अपमान करते आए हैं और यहाँ सदन में इस तरह का शेर पढ़ने की उनको आवश्यकता नहीं थी। अब सबका विषय आपके सामने आ गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय पे आप सर्वोच्च हैं, आप सभी दलों की बैठक बुला लें और ऐसी सजा मिले जिससे कोई भी आदमी किसी भी महिला चाहे कहीं भी महिला सांसद का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सके। धन्यवाद। फिर दोबारा मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई गलत फहमी ना होना चाहिए। हम बड़ी स्पष्ट रूप से ये कह हैं और अभी भी कह रहा हूं कि सदन के अंदर, सदन की बाहर, हिंदुस्तान सारे जहां में कहीं भी अगर महिला के ऊपर इस तरीके की अगर अपमान हो, कोई असम्मान हो, तो कांग्रेस पार्टी किसी हालत में इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। देखिए, आप सबको जानकारी है कि सदन के अंदर जब सोनिया गांधी जी बैठे रहती थी उनको भी इटली की कठपुतली, उनको भी बहुत इटालियन वगैरह वगैरह बहुत सारे बात। मैंने बोलने दीजिए अनपार्डनेबल भी है। और ये अनपार्डनेबल जो कार्य कल हुआ है एक निर्वाचित सदस्य के नाते मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि ये हाउस सर्वोच्च है निर्णय लेने का। आपने बार बार उनको अनुरोध भी किया कि क्षोभ प्रकाश करने की, आपने माफी मांगने की भी नहीं कहा था, फिर भी उन्होंने जिस तरह व्यवहार प्रदर्शन किया ये बिल्कुल शर्मनाक है, अनपार्डनेबल है। ये ऐसा मसला है जो मसला को लेकर हमें यहाँ रंजिश, यहाँ आक्रोश प्रदर्शन करने की नहीं है। हमें सूझबूझ से निर्णय लेनी होगी और ये निर्णय आपके अध्यक्षता में ही लेनी होगी और ये निर्णय ये हाउस आपको इम्पावर करती है।
और लोकसभा में लगातार आजम खान के कल के बयान को लेकर हंगामा जारी है। स्मृति ईरानी ने थोड़ी देर पहले क्या कहा लोकसभा में, सुनिए। आपकी अनुमति से मैं ये कहना चाहती हूँ महोदय, मेरे 7 वर्ष के संसदीय कार्यकाल में आज तक किसी पुरुष ने इस प्रकार की किसी भी सदन में हिमाकत नहीं की। ये विषय महिला का नहीं है। इस सदन में और दूसरे सदन में भी कई पुरुषों ने अपने राजनीतिक सामाजिक कार्यकाल में महिला के संरक्षण के लिए, सम्मान के लिए आवाज उठाई है। लेट अस नॉट रिड्यूस इट टू अ विमेन्स प्रॉब्लम। दिस इज अ ब्लॉट ऑन ऑल लेजिस्लेटर्स इंक्लूडिंग मेन सर। यस यस, दिस इज नॉट अ हाउस वेयर मेन कम इन ताकि किसी औरत की आंखों में झांका जाए। एंड वॉट वॉज रिपंगनेंट वॉज दैट अ लीडर स्टूड इन सॉलिडैरिटी विद अ लेफ्ट। माई अपील टू यू सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर पॉलिटिकल डिफरेंसेस, द एंटायर नेशन वॉच्ड यस्टरडे कैसे ये सदन शर्मसार हुआ। इस सदन में बातचीत प्रिविलेज होती है। अगर महिला के साथ इस प्रकार की बदतमीजी सदन के बाहर होती तो वो पुलिस का संरक्षण मांगती और उसे मिलता। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का बिल इसी सदन ने पास किया और हम चुपचाप बैठकर महोदय मुखदर्शक नहीं बन सकते। मंत्री के नाते नहीं, महिला सांसद के नाते नहीं, आज सांसद के नाते पूरे सदन को मेरी अपील है, ये मैसेज भेजें कि महिला चाहे किसी भी पक्ष की हो, इस सदन का प्रिविलेज मिसयूज नहीं होगा एक महिला का अपमान करने के लिए। महोदय, बाहर पुलिस का संरक्षण है, यहाँ आपका है। मैं अपील करूंगी कि सदन में पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ के, जेंडर डिफरेंसेस छोड़ के हम एक स्वर में बोलें, यू कैन नॉट मिसबिहेव विद अ वुमन एंड गेट अवे विद इट बट जस्ट ड्रामेटाइजिंग इट एंड सेइंग मैं रिजाइन कर दूंगा, या आपको गलत फहमी हुई है। ये बात, और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी आजम खान के बयान की निंदा की है। क्या कहा उन्होंने सदन में, सुनिए। जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया, मैंने उसी समय आपत्ति किया। माननीय रमा जी बहुत ही सुलझी हुई आदरणीय नेता हैं, महिला अपनी और बहुत वरिष्ठ हैं, वो सदन की कुर्सी पर हैं, और जैसे शब्दों का प्रयोग किया वो इतने शर्मिंदगी भरे थे कि मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता हूं। या तो माफी मांगे अथवा उनको सदन से अंदर आने पर सस्पेंड किया जाए, ये मांग करते हैं, ये हमारी मांग है। अध्यक्ष जी, जोग जोग हम महिला को मां की रूप से हम मानते हैं, सम्मान करते हैं, सदन के अंदर नहीं, सदन की बाहर कहीं भी, सारे दुनिया में कहीं भी अगर महिला के ऊपर कोई असन्मान होते हैं। और लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त बोल रहे हैं, सीधे चलते हैं। आप यकीनन फैसला लीजिए और पूरी रुदाद आपके सामने है। यहाँ पर तमाम हमारे काबिल खवातीन अराकीन ने अपने एहसास से वाकिफ कराया, मैं भी उनके साथ हूँ, मगर मैं आपके जरिए से हुकूमत से एक बात कहना चाहूंगा कि आपके रूलिंग पार्टी में एमजे अकबर के ताल्लुक से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीट इवेंट बनाया गया, कहां गए उसकी रिपोर्ट? जो बात, जो शब्द, जो लाइन कही गई है उसको दोहराया नहीं, सब कहे की बहुत ही शर्मनाक तरीके से बात कही गई। लेकिन सर आपको बता दूं कि कल पूरे दिन पूरी रात टीवी में वो सारे लाइन दिखाए गए सारे, हम उसे रिपीट नहीं किए, लेकिन पूरी दुनिया ने देखी है कि वो शब्द क्या है, क्योंकि मीडिया में वो पूरे लाइन पूरे मोमेंट को दिखाया गया है। सख्त से सख्त कदम सर लेना चाहिए, एग्जेम्पलरी एक्शन में भर्तोनी मान साहब ने जो बोला है, ताकि आइंदा वो इस तरीके का सोचे भी नहीं। बोलना तो दूर की बात है, कोई सोचने का भी इसमें। माननीय अध्यक्ष जी, आपने पूरे सदन की बात पूरा समय देकर सुनी, महिला सांसदों के जो आक्रोश देखा गया
वही सभी सांसद, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, इस सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए सब एकजुट एक साथ हैं। लेकिन इस विषय पर किसी को राजनीति करने का अवसर ना दिया जाए। आपको एक ऐसा मिसाल पेश करनी, उदाहरण देना है कि जो लोग, जिनका इतिहास ऐसा है कि सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी आकर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है, ऐसा चेहरा वापस देखने को ना मिले, सीरियल ऑफेंडर ऐसे जो हैं, मुझे लगता है भर्तरी मेहताब जी ने, जो बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, पूरे विषय को बड़े विस्तार में गंभीरता से रखा है, आपके ऊपर निर्णय करने की जिम्मेदारी दी है, आपने सभी पक्षों को सुना है, आप एक ऐसा निर्णय लीजिए कि केवल 17वीं लोकसभा नहीं, चाहे 100वीं लोकसभा भी होगी, आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा कि सदन के सभी सदस्यों ने आपको जिम्मेदारी दी थी एक ऐसी मिसाल खड़ी करने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है, अधीर रंजन जी, किसी एक महिला के नाम पर दूसरे का नाम करके मुझे लगता है हमारे बीच के सांसद की प्रतिष्ठा की बात भी है, और जिस तरह से इसको राजनीतिक खेमों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है वो ना किया जाए। ये पहले आपने जो शब्द कहे थे कि हम सबको मिलकर सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए, सांसदों की गरिमा बनाए रखने के लिए, जो कल्याणदार ने भी कहा कि किस तरह से, हमने तो रामायण के माध्यम से पढ़ा ही है, और यहां पर तो पूरे देश भर में जिस तरह से महिलाओं का मान सम्मान किया जाता है, इस सदन को आज ये दिखाना पड़ेगा कि हम अपने सदस्य को भी, महिला सांसदों को भी और देश की हर महिला के प्रति उसी तरह का सम्मान करते हैं, और कड़े से कड़ा निर्णय इस पर लिया जाए ताकि आने वाले वर्षों में एक ऐसी मिसाल हम पेश कर सकें। सर, आई विश टू ड्रॉ द हाउस अटेंशन दैट इट्स वेरी वेरी encouraging to see members stand up, all wanting to speak in one voice about what happened yesterday in the House. Utterly condemnable conduct. I'm not repeating. Honorable Minister Babul Supriyo is right when he says none of us will choose to repeat those words. But yet, the entire country watched it, even as the session was going on here, and later in the night when it was all being repeated. I'm extremely grateful to every honorable member who stood up in support of this absolutely emotional moment where all of us are offended, not just because a woman has been spoken so badly, but a woman who's occupying the chair. Yes. Every time we repeat to ourselves here, saying we better conduct ourselves in such a way, as the nation is watching us, conduct ourselves in such a way that we respect the chair. And in the chair, when a woman is seated, it's not an easy position to reach for a woman, but a woman reaches there, and a respectable member of parliament who's been in the house for seven. आजम खान के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्होंने जो कुछ कहा था खराब भावना से नहीं कहा था। देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या कहा गया है, लेकिन कल क्योंकि सदन में बहुत सारी ऐसी भाषा और शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया, हालांकि जो बात उन्होंने कही थी कि इस खराब भावना के साथ नहीं कही थी, क्योंकि एक दो लाइनें आजम खान साहब ने कही, कुछ बातें विपक्ष से आई, फिर चेयर से आई, तो उसी बात को आगे बढ़ाया है, और आज भी अगर कोई आगे बढ़ा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और उनकी भाषा तो सोचो, हम तो केवल इस सदन की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी सदन चल रहा है, आप उत्तर प्रदेश के सदन के बारे में जानकारी करिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किस भाषा का, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये बात कही कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया, वो बहन के समान है। Uninterrupted. I've heard everybody and I've not taken anybody's name. If unfortunately, even as I say a line, there's a sense of guilt and that makes people stand up, I'm sorry. Is that the case? Then please sit down. Hear me out. Sir Speaker, hear me out. Speaker, sir, I've sought your permission to stand.
and put my voice across. I've sought your voice, permission. I've sought your permission to stand up and speak. So, let me be allowed to say what I want to say. I have not named anybody here for people to object and get up to interrupt my speech here. Interruption, I've never done. But please, let's all have the strength of conviction to hear what the other member has got to say. Thank you, don't judge me. Sir, I object to that comment. I object to that comment. I object to that comment. Sir, when a member of parliament could name a woman, when a member of parliament can stand up and question on somebody, when a member of parliament can stand up and judge people, there's no democracy in this house, if that's the way in which it is. And therefore, I would now say, I started by saying, I thank every member who supported this cause. I like to repeat that. I stood up to say, irrespective of the bloc to which we belong, all of us have stood to support a woman. At this time, I wish all of us do stand up again to make sure that we don't have fine lines drawn here or conditions attached to our support or add riders to what we are saying. It is an abominable act. Let me complete. I think all of us have the strength to hear us out, one another out. Yeah. I'm not here. I'm standing as a member of this house, not here, Rajya Sabha. Yeah. Sir, therefore, I think. This is not done. Sir, I appeal to you, Speaker, sir. Like the way it was suggested, I think it is important. You are empowered adequately. The House gives you enough power, sir, and more. We all honor you and respect you. In this particular case, every member of the House has felt strongly. We look towards you for an exemplary action in this matter. Please do your consultation with as many leaders as was suggested by Honorable Member Bhartrihari Mehta. Please do consult everybody. But an exemplary action is what we are looking forward from you, so that never ever in this House, especially in this House this year, when we have adequate number, more than enough number of people who can stand up, girls, women who can come and speak here, please ensure that you take exemplary action. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के सहित तमाम सांसद ये कहते हुए कि एक ऐसी सजा मुकर्रर की जाए, एक ऐसा मिसाल बने कि दोबारा कोई सांसद इस तरह से या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल का सोच भी ना सके सदन में. रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक. तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आज तक .in पर जरूर जाए. और हाँ, इन तमाम खबरों के लिए अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, iOS और Android दोनों पर. डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप. आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप, और उसके बाद दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार. डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप. Shami's perfect yorker key. Mandeep ki magical boundary iski. Andrew Tai ke har wicket ki. And Vikrant's perfect match and analysis. Sirf aaj tak mobile app par. Download the app now. Aaj tak sabse tez. दोस्तों, आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आज तक का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए. देश विदेश की हर अहम महत्वपूर्ण खबर देखते रहिए और दस्तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप. आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप, और क्रिकेट और खेल के मैदान की हर खबरें आपको मिलेंगी मोबाइल पर. डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप. आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप, और अपने मोबाइल ऐप पर ही सुबह सुबह की हर बड़ी खबर का अपडेट लीजिए. डाउनलोड करें आज तक मोबाइल. तो आजम खान के बयान को लेकर
लेकर लगातार लोकसभा में हंगामा हो रहा है। इस बीच अज़ुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, सुनवाते हैं। यहाँ पर जो हमारे ख्वातीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने जज्बात और एहसास से हमको वाकिफ कराया, मैं इसका एहतराम करता हूँ, इसकी इज्जत करता हूँ और यकीनन इस ऐवान की बुलंदी के लिए, इस ऐवान की पाकीजगी के लिए, इस ऐवान के उस उसूलों पर चलने के लिए बहुत जरूरी है कि इस ऐवान को उस ऐवान के खवानीन के तहत चलाया जाना चाहिए जिसमें हर रुकन की इज्जत का एहतराम होना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है स्पीकर साहब कि आप यकीनन फैसला लीजिए और पूरी रुदाद आपके सामने है। यहाँ पर तमाम हमारे काबिल ख्वातीन अराकीन ने अपने एहसास से वाकिफ कराया, मैं भी उनके साथ हूँ, मगर मैं आपके जरिए से हुकूमत से एक बात कहना चाहूँगा कि आपके रूलिंग पार्टी में एमजे अकबर के ताल्लुक से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीट उमन बनाया गया, कहाँ गए उसकी रिपोर्ट? हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हम।